आप हमेशा अपने काम अपने अमाल से बड़े होते हैं या महीने आपकी वजह से हम बनते हैं, आप महीनों की वजह से नहीं बनते। लोग शोहरत के लिए बहुत पीछे भागते हैं, हालांकि शोहरत हमेशा काम पर मिलती है, तो काम के अलावा कोशिश करने से कुछ ना कुछ नाम तो हो जाता है, लेकिन वो काम के बगैर जो होती है वो बदनामी होती है, शोहरत नहीं होती, और वो शर्माने की बात है। शोहरत खुश होने की बात है जो सिर्फ काम से मिलती है, किसी और वजह से नहीं मिलती, ना इस वजह से मिलती है कि आप पैदा कब हुए। पैदा होने के बाद आप ने किया क्या है, इससे मिलती है इज्जत। और उन्हें पैदाइश 11 अप्रैल 1943 में हुई थी, 11 अप्रैल 1943। हम लोग 1947 में पाकिस्तान आ गए, तो उस वक्त से मुझे याद है कि हम लोगों ने यहाँ कराची में सबसे पहले जो बोहरा पीर का एक इलाका है जहाँ उर्दू कॉलेज, पुराना उर्दू कॉलेज था, उसके करीब हम लोग बोहरा पीर में आकर रहे थे। और फिर उसके बाद जब नाजमाबाद बनना शुरू हुआ तो नाजमाबाद मुंतकिल हो गए, और एक बहुत तवील अरसा जो है वो नाजमाबाद में गुजारा। और जनाब इत्तेफाक से मैं बचपन में जब हुसैनी हाई स्कूल नाजमाबाद में 5वीं क्लास में पढ़ता था, मैं अपने घर से भी भाग गया और स्कूल से भी भाग गया। नहीं नदीम भाई, तालीम तो नहीं हुई। कराची में जितने बड़े नाम लिखने उर्दू के लिखने वालों के रहे, उन सब से मेरी नियाज मंदिर रही है, ये मेरी खुशनसीबी, यानी वो और इन्हीं लोगों की वजह से मैं इसी यानी बहुत ज़्यादा बिखरने नहीं पाया, और कम से कम लिखने लिखाने की तरफ तवज्जो मरकूज। शुरू में अनवर अफसरी के नाम से मैं लिखता रहा, क्योंकि अफसर हमारे उस्ताद थे। फिर उनके अफसर साहब के अलावा भी मैंने हजरत ताबिज देलवी मरहूम को भी अपना कलाम दिखाया, और फिर आखिरी जो मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने इस्लाह ली, वो थी हजरत सिराजुद्दीन जफर, जिनका कलाम लोग बड़े ज़ौक शौक से सुनते हैं। वो उनका जो खास मौजूदात थे शराब व शबाब, उसमें तो उन्होंने कलम तोड़ के रख दिया, उनसे मैंने इस्तेफादा किया। अच्छा, जंग से मेरा ताल्लुक बचपन से ही है, इसलिए कि मैं जंग में बच्चों का जो सपा निकलता था ना हमारे लड़कपन में, बचपन में नौनिहाल लीग के नाम से जिसके निगरान हुआ करते थे शफी अकील मरहूम, और वो भाईजान कहलाते थे, तो वो जो भाईजान थे वो भी बड़ी शफकत से पेश आते थे। मैं उस जमाने से जंग में के बच्चों के सफ़े से लिखना शुरू किया था। उसके बाद जब मैं गज़ल गोई की तरफ आया तो मेरी गज़लें भी जंग में छपती थी, और अब तो खैर बरसों से रोज़ाना एक कतब भी छपता है। तो इस लिहाज से जंग इदारा जंग से वाबस्तगी गोया शुरू से थी, और जंग के दफ्तर में आना जाना भी रहा करता था, और उसी इसी तरह आने जाने की वजह से हजरत रईस अमरूवी, सैयद मोहम्मद तकी साहब, और फिर जॉन एलिया मरहूम मकफूर, अच्छा उस ज़माने में शौकत थानवी वगैरह भी होते थे वहाँ, और उस ज़माने के जितने भी साथी थे उन सबसे भी ताल्लुक एक रहा। अच्छा, और रेडियो में जनाब हमने बहुत जो मशाहिर देखे, मसलन रेडियो में उस ज़माने में रेडियो मरकज़ इत्तलात का वाहिद मरकज़ था, टेलीविज़न वगैरह तो बाद में आया ना, तो उस ज़माने में मसलन शेर व अदब के अलावा दूसरे मशाहिर को भी मैंने वहाँ देखा, जैसे कि पहलवानों में भोलू पहलवान वगैरह को हमने वहाँ देखा था। अच्छा, फिर मैं हनीफ मोहम्मद क्रिकेटर जो थे, लिटिल मास्टर हमारे हनीफ मोहम्मद साहब, उन्हें भी पहली बार मैंने वहाँ देखा था रेडियो में। आपके उस ज़माने में बहजाद लखनवी मरहूम हुआ करते थे, हफीज़ साहब को भी वहाँ देखा, हफीज़ जालंधरी साहब को,
बाद में जनाब जोश साहब बाद में आए और फैज साहब को मैंने आपके आर्ट्स काउंसिल में देखा था, चूंकि गालिबन बानियान भी आर्ट्स काउंसिल के बानियों में भी शामिल थे शायद फैज साहब, है ना। हाँ, तो अब बारह जब उस जमाने में उनसे मुझे बड़ी नियाजमंदी भी रही, जब वो यहाँ डेढ़ साल के लिए ढाई साल रहे कराची में, तो वो मैं बराबर उनकी खिदमत में हाजिर होता था और वो भी जाहिर है बड़ों की तरह शफकत करते थे, वो बड़ी हौसला अफजाई भी करते थे। अब तक पांच मजमूए आए हैं जिनमें से चार पर मुश्तमल कुल्लियात अनवर शऊर है जो रंगे अदब पब्लिकेशंस ने छापी है। जब मैंने शायरी शुरू की थी उस वक्त इश्क की ऐन का से भी वाकफियत नहीं थी उस वक्त, तो उस जमाने में तो हम बच्चों की नज़में लिखा करते थे, तो ये कहिए कि शायरी से पहले वाबस्तगी हुई। लिखने पढ़ने का जो आपका सिलसिला है वो मुंतकिल हुआ क्या आपके बच्चों में भी? हाँ हाँ, मेरी एक तो लिखने वाली बेटी मेरे सामने ही बैठी है, शाइस्ता मोमिन, ये वैसे बहुत अच्छा नसर बहुत अच्छी लिखती हैं, ये इन्होंने शेर भी बहुत अच्छे कहे हैं, और इन्हें हालांकि शिकायत ही है कि मैं इनकी हौसला अफजाई नहीं करता। भाई मैं हौसला अफजाई इनकी क्या करूं, मैं तारीफ करता हूं, दाद देता हूं, और क्या हौसला अफजाई होती है ये मुझे नहीं मालूम। बुनियादी तौर पर यह है मुसव्विरा, और इनके मियाँ भी मुसव्विर हैं मोमिन साहब, और ये खुद भी मुसव्विर हैं शाइस्ता मोमिन, तो ये हमारी हैं जो लिखती पढ़ती रहती हैं। तो अनवर भाई, आपने जो वक्त जिस तरह से आपने मशाहिद पे तस्करे किए, जी जी, उनके साथ आपने वक्त गुजारा और उनके साथ आपकी नियाजमंदी रही, जी जी, वो दौर और आज का जो दौर है उसमें आप क्या फर्क महसूस करते हैं? साहब उस जमाने में एक तो ये कि खुला हुआ मुआशरा था, एक दूसरे से रवाबित बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, शहर भी छोटा था, आने जाने में भी इतनी दिक्कतें नहीं होती थी। आजकल कुछ सामाजिक फासले बढ़ गए हैं, और ये कोरोना से पहले की बात है, कोरोना ने तो और महदूद कर दिए, लेकिन कोरोना से पहले ही रवाबित में वो जो खुला डुलापन पहले था, वो यानी आज की नस्ल को अपने बुजुर्गों तक उतनी आसानी से पहुंचने का मौका नहीं मिलता, ना बुजुर्गों को उन पर इतनी तवज्जो देने की मोहलत मिलती है, तो जिंदगी कुछ मसरूफ हो गई, यानी एक बेकारी की जो मसरूफियत होती है ना, कि काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारे यहाँ कोई ऐसे कुछ काम हो रहे हैं जो उस जमाने में नहीं होते थे, या उनसे ज्यादा कोई हमारी कौमी कारकर्दगी बढ़ गई है, कारकर्दगी बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, लेकिन मसरूफियत जरूर बढ़ गई है, बेगार की मसरूफियत कहना चाहिए इसे, तो उससे एक फासले पैदा हो गए नस्ल में। एक बात तो यह है कि हमारे मुल्क को के कयाम को 70 बरस से ज़्यादा हो चुके, गोया पौन सदी होने वाली है, लेकिन 73 बरस हो गए ना, तो लेकिन इन पूरे 73 बरसों में हमें इस कौम को का उबूरी दौर ही ख़त्म नहीं हो सका है, यानी ये पूरी कौम जो है असल में हुआ क्या है, तक गालिबन तकसीम हिंद का जो एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए हादसा था या एक झटका लगा था, अभी तक दोनों ममालिक उस झटके से संभल नहीं पाए हैं। दोनों ममालिक में एक बेचैनी और एक इंतशार और एक दूसरे के खिलाफ, यानी बजाय इसके कि अपने आप को पड़ोसी समझें
एक दूसरे का दुश्मन ही समझते चले आ रहे हैं। यानी पड़ोसी होने का मतलब दुश्मन होना ही नहीं होता, लेकिन हम वो है अभी तक तकसीम हिंद के सानहे के, आप दुख कह लीजिए या उसके असरात कह मुजमरात कहिए, उनसे हम अभी तक नहीं संभल सके हैं। ना नस्बुलैन उस कौम को कोई मिला है, ना हमें मिला है, हालांकि वहां मुसलसल जमहूरियत रही है, यहाँ गंडेदार जमहूरियत रही, लेकिन बात जमहूरियत या किसी और निज़ाम की नहीं है। इस कौम के सामने कोई नस्बुलैन है ही नहीं। बर्रे सगीर के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया से पीछे हैं। अच्छा, वो क्यों पीछे है इसकी बड़ी तौजीहें लोग करते हैं कि ये कौम काहिल है, ये वो, चलिए मान लिया कि काहिल है, लेकिन काहिल क्यों है? काहिल आदमी उस वक्त होता है जब उसके पास करने के लिए कुछ न हो, या उसकी समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें। असल बात तो शायद ये है कि बर्रे सगीर के लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों और किसी भी इलाके में वो मुकीम हो, ये रूह असर से बेगाना है। हम रूह असर से चूके दूर हैं, इसलिए आज तक भटकते फिर रहे हैं और अंधेरे, यानी हमारा हम रोशनी में नहीं है, अंधेरे में टमक टोहियां मार रहे हैं, और इसकी वजह सिर्फ रूह असर से दूरी है। रूहे असर की मैं तौजीह क्या करूंगा, अब ये तो तफसीली बात है। मुराद ये है कि हमारे पास मुस्तकबिल नहीं है, हमारे पास माजी ही माजी है, मुस्तकबिल नहीं है। तो ये दोनों जगह हाल है। तो कैसे, यानी हमारे मतलब हम हैं, हमारी हम अपनी नस्ल की तरफ कैसे तवज्जो दें, या हमारी नस्ल हमें कैसे अपना मिसालिया वगैरह समझ सकती है? हम तो अभी तक वही है, चल रहा है उबूरी दौर ही चल रहा है, और कब तक चलेगा अभी नहीं मालूम। देखिए जी, अभी मुख्तलिफ का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ उर्दू के तमाम शायर एक को छोड़कर सब, चाहे वो गालिब हों, चाहे हसरत मोहानी हों, चाहे नासिर काजमी हों, और चाहे मुनीर नियाज़ी हों, यहाँ तक गोया शुरू वली दकनी हों, वहाँ से हम यहाँ तक आ जाते हैं, तमाम शुआरा अपने अपना रंग तो खैर सभी रखते हैं, हर अच्छा शायर अपना रंग रखता है, लेकिन पूरी तरह मुख्तलिफ नहीं है, कुछ ना कुछ मिला जुलापन सब में पाया जाता है। अब मुनफरिद है और वो है अल्लामा इकबाल। मुनफरिद और मुख्तलिफ की तारीफ पर उनसे ज्यादा पूरा कोई शायर नहीं उतरता, हालांकि हर शख्स का अपना रंग होता है। तो मुझे जनाब जो पसंद है वो चार तो अपने पहले ही हैं, मसलन मीर बहुत पसंद जो हैं लोग, मीर, गालिब, इकबाल, अनीस, ये तो चार हमारे शुआरा कदीम में से, और इसमें आप हम अपने ज़माने को भी शामिल कर लें तो फैज़ को भी शामिल कर लीजिए, तो गोया ये हमारी उर्दू शायरी में, मैं अक्सर नौजवान लड़के जब बात करते हैं इस मौजू पर तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपको उर्दू में शायरी करनी है तो उर्दू शायरी की इमारत इन पांच सुतूनों पर खड़ी हुई है, मीर, गालिब, इकबाल, अनीस, फैज़।
ये इनका इस कदर मुतालिया होना चाहिए कि आपके आपके खून में सरायत कर जाएं और आपकी रगों में दौड़ने लगे, तब तो आपको आगे शायरी करने का हक। यानी यही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और वैसे तो खैर बहुत से लोग पसंद हैं, यानी वली दकनी है, वली दकनी है, हसरत मुँह वली दकनी है, हसरत मुहानी है, दाग है हमारे। अच्छा आपके हाली हैं। अच्छा आपके और इधर आ जाएं तो हमें अपने जमाने के इब्ने इंशा मुझे बहुत पसंद है, शायर की हैसियत से भी। उनकी नसर तो खैर होती ही बड़ी पुरलुत मज़ेदार है, और लेकिन शायर भी वो मुझे शायरी के उनकी शायरी का लोग अक्सर जिक्र कम करते हैं, मगर वो बहुत अच्छे शायर हैं। मैंने कहीं एक शेर में लिखा था कि एक अंदाज जोगियों जैसा हमने देखा है, एक अंदाज जोगियों जैसा हमने देखा है इब्ने इंशा में। तो शायर तो खैर बहुत से पसंद है, मुझे सैफुद्दीन सैफ भी बहुत पसंद है, नासिर काज़मी भी बहुत पसंद है। तो एक लंबी फहरिस्त है। जो शख्स दूसरों को जिला बख्शता था, आह जो शख्स दूसरों को जिला बख्शता था, आह इस जिंदगी में उसका मुकद्दर सलीब था। जो शख्स दूसरों को जिला बख्शता था, आह इस जिंदगी में उसका मुकद्दर सलीब था। दुनिया में ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, दुनिया में ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, जो खुश रहा नसीब पे वो खुश नसीब था, जो खुश रहा नसीब पे वो खुश नसीब था। शीरो शकर थे पीरे मुगां के नियाजमंद, शीरो शकर थे पीरे मुगां के नियाजमंद, इस आशिकी में कौन किसी का रकीब था। शीरो शकर थे पीरे मुगां के नियाजमंद, इस आशिकी में कौन किसी का रकीब था। एहसास बरतरी था ना एहसास कमतरी, एहसास बरतरी था ना एहसास कमतरी, मैं उसका दोस्त और वो मेरा हबीब था। एहसास बरतरी था ना एहसास कमतरी, मैं उसका दोस्त और वो मेरा हबीब था। लिखता था कैसे कैसे मुरस्सा खतूत उसे, लिखता था कैसे कैसे मुरस्सा खतूत उसे, यादश बखैर मैं कभी अच्छा अदीब था। रात इस गुनाहगार को मजलिस में देखकर, रात इस गुनाहगार को मजलिस में देखकर, मिंबर पे बैठने से गुरेजा खतीब था। मिंबर पे बैठने से गुरेजा खतीब था। ये जिंदगी जो बेसमरो बेसबात है, ये जिंदगी जो बेसमरो बेसबात है, इस कायनात में मेरी कुल कायनात है। ये जिंदगी जो बेसमरो बेसबात है, इस कायनात में मेरी कुल कायनात है। तन्हाई मेरा साथ नहीं छोड़ती कहीं, तन्हाई मेरा साथ नहीं छोड़ती कहीं, ये नेक बख्त मेरी शरीके हयात है। तन्हाई मेरा साथ नहीं छोड़ती कहीं, ये नेक बख्त मेरी शरीके हयात है। सूरज निकल रहा है न चांद आपके बगैर, सूरज निकल रहा है न चांद आपके बगैर, यानी गरीब खाने में दिन है न रात है, यानी
गरीब खाने में दिन है न रात है, अल्लाह उस अमल से बचाए रखे हमें, अल्लाह उस अमल से बचाए रखे हमें जिसमें बकौले शेख हमारी निजात है, अल्लाह उस अमल से बचाए रखे हमें जिसमें बकौले शेख हमारी निजात है। सीने से कोहे नूर किसी ने चुरा लिया, सीने से कोहे नूर किसी ने चुरा लिया, ये वारदात एक बड़ी वारदात है। सीने से कोहे नूर किसी ने चुरा लिया, ये वारदात एक बड़ी वारदात है। मत पूछिए हमारी मुआश और मकदरत, मत पूछिए हमारी मुआश और मकदरत, कुर्बानी हम पे फर्ज न वाजिब ज़कात है, मत पूछिए हमारी मुआश और मकदरत, कुर्बानी हम पे फर्ज न वाजिब ज़कात है। यूं तो हमारा हलके अहबाब है वसी, यूं तो हमारा हलके अहबाब है वसी, तादाद मुखलिसों की फकत 5-7 है। इससे कोई सबक न लिया जाए तो शऊर, इससे कोई सबक न लिया जाए तो शऊर, तारीख सिर्फ सिलसिले वाकयात है, तारीख सिर्फ सिलसिले वाकयात है। पहुंचना हमें हर अफसू तक, है पहुंचना हमें हर अफसू तक, आखिरी क्या तक आखिरी क्यों तक, है पहुंचना हमें हर अफसू तक, आखिरी क्या तक आखिरी क्यों तक, मुंतही नज़्म गो सही फितरत, मुंतही नज़्म गो सही फितरत, कह गुजरती है गैर मौजू तक, मुंतही नज़्म गो सही फितरत, कह गुजरती है गैर मौजू तक। एक तो ये जमीन तंग नहीं और जेरे कदम है गर्दू तक, एक तो ये जमीन तंग नहीं और जेरे कदम है गर्दू तक, दिल का नेमल बदल कहाँ दुनिया, दिल का नेमल बदल कहाँ दुनिया, जानता है ये बात मजनू तक, दिल का नेमल बदल कहाँ दुनिया, जानता है ये बात मजनू तक, तुम कुछ आमाल छोड़कर जाना, तुम कुछ आमाल छोड़कर जाना, माल तो छोड़ता है कारू तक, तुम कुछ आमाल छोड़कर जाना, माल तो छोड़ता है कारू तक, टोक देते हैं पहरेदार अगर, टोक देते हैं पहरेदार अगर, मैं असीरी में गुनगुनाऊं तक, टोक देते हैं पहरेदार अगर, मैं असीरी में गुनगुनाऊं तक, चाहते हैं बचत करें लेकिन, चाहते हैं बचत करें लेकिन, इस्तेताअत है हाथ से मुंह तक, चाहते हैं बचत करें लेकिन, इस्तेताअत है हाथ से मुंह तक, पीके करते हैं बातचीत शऊर, पीके करते हैं बातचीत शऊर, वरना रहते हैं सिर्फ हाँ हूँ तक।
पी के करते हैं बातचीत शूर, वरना रहते हैं सिर्फ हाँ हूँ तक। तुम कुछ माल छोड़ कर जाना, माल तो छोड़ता है कामों तक। शेख साहिब कल हमें गुमराह फरमाते रहे, ये खुद ब खुद निकल आए हैं शेख साहब, किताब खुली तो। शेख साहिब कल हमें गुमराह फरमाते रहे, हम रहे खामोश आली जाह फरमाते रहे। शेख साहिब कल हमें गुमराह फरमाते रहे, हम रहे खामोश आली जाह फरमाते रहे। जाने क्यों दिल को रहा बेएतनाई का मलाल, जाने क्यों दिल को रहा बेएतनाई का मलाल। वो तवज्जो आप खातिर ख्वाह फरमाते रहे, गो तवज्जो आप खातिर ख्वाह फरमाते रहे। हमने किस्मत की स्याही का लिखा पूरा किया, हमने किस्मत की स्याही का लिखा पूरा किया। रोशनी दिन रात मेहरो माह फरमाते रहे, हमने किस्मत की स्याही का लिखा पूरा किया। रोशनी दिन रात मेहरो माह फरमाते रहे। अब हमें उनसे गिला हो या खुद अपने से गिला, अब हमें उनसे गिला हो या खुद अपने से गिला। वो सितम ढाते रहे हम आह फरमाते रहे, वो सितम ढाते रहे हम आह फरमाते रहे। मुल्क दिल की कैफियत से मुख्तलिफ हालात में, मुल्क दिल की कैफियत से मुख्तलिफ हालात में माँ बदौलत कौम को आगाह फरमाते रहे, माँ बदौलत कौम को आगाह फरमाते रहे। कौम कहता है कि दिल रखना नहीं आता उन्हें, कौन कहता है कि दिल रखना नहीं आता उन्हें। हम गजल पढ़ते रहे वो वाह फरमाते रहे, हम गजल पढ़ते रहे वो वाह फरमाते रहे। कुछ किसी ने दे दिया तो ले लिया वरना शऊर, कुछ किसी ने दे दिया तो ले लिया वरना शऊर। शायरी हम फी सबीलल्लाह फरमाते रहे। शेख साहिब कल हमें गुमराह फरमाते रहे, हम रहे खामोश आली जाह फरमाते रहे। चलिए जी, अच्छी खासी समा खराशी हो गई।